अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे नानी दादी के स्टाइल में प्याज वाली चटनी। लेकिन उनके ज़माने में क्या होता था कि प्याज को अंगारे के अंदर डाल करके भून लेते थे। हमारे पास तो अब ना लकड़ी का चूल्हा बचा है और ना ही अंगारा, तो हम कैसे बनाएं, क्योंकि स्वाद तो वही वाला चाहिए, क्योंकि खाने का मन तो करता ही है। तो चलिए कुछ इस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले प्याज को मोटे मोटे पीस में काट लेना होगा और एक बर्तन लेंगे। उस बर्तन के अंदर प्याज को अच्छी तरह से फैला देंगे। जब सारी प्याज अच्छी तरह से फैल जाएंगी, एडजस्ट हो जाएंगी, तब फिर इसके अंदर हमें डालना होगा लाल मिर्चा सूखा वाला। यहाँ पर हम सिर्फ 3 मिर्चे का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये मिर्चा बहुत ज़्यादा तीखा है, इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा मिर्चा नहीं डाल रहे हैं। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको पसंद हो। और अब डालेंगे नमक। नमक डालने के साथ साथ हमें डाल देना होगा सरसों का तेल और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमें गैस चूल्हा ऑन करना होगा और उसके ऊपर इसको रख देना होगा और अब इसको ढक देंगे। 5 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 5 मिनट हो चुका है और अब आप देख सकते हैं इसका रंग बदल गया है। अब हमें इसको पलट लेना होगा और दूसरी तरफ से भी सेकना होगा। ये सारा हमने पलट लिया है और दूसरी तरफ से सेकने के लिए रख दिया है। 5 मिनट फिर हो गया है, तो फिर से इसको खोल लेते हैं और ये दूसरी तरफ से भी सिका गया है। अब आंच को हमें तेज़ करना होगा और तेज़ करने के बाद चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से चला लेना होगा, ताकि जो नहीं थोड़ा बहुत पका है, भुनाया है, वो भी अच्छी तरह से भुना जाए। यहाँ पर हमने तेल डाल करके रखा हुआ था, इसलिए जलने का कोई चांस नहीं है, ये अच्छी तरह से भुना जाएगा। जब ये भुना जाएगा तब फिर हमें इसको जो है जार के अंदर डालना होगा। आप देख सकते हैं, एक बार और चला लेंगे और फिर उसके बाद अब गैस को बंद कर देंगे। अब यहाँ पर हमें लेना होगा एक जार और उसके अंदर इसको डाल देना होगा और ये पिसने के बाद कुछ इस तरह से बनकर के तैयार होगी। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।